गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एंगल्स. सो एंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर मेजर्स. सो वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजर्स. सो फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल्स. दिस इज एक्यूट एंगल. Angle whose measure is more than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. सभी angle जो जिनका measure 0 degree से ज्यादा और 90 degree से कम हो वो सभी angle जो क्या कहलाएंगे, acute angles कहलाएंगे. Means 1 degree से लेकर 89 degree तक कोई भी angle हो बीच में तो ये सभी एंगल क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज राइट एंगल. एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री एंगल. ऐसा एंगल जिसका मेजर जो है वो 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे. सो नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल. एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. मीन्स जिसका मेजर 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री के बीच में कोई भी मेजर, कोई भी एंगल हो, कोई भी डिजिट हो, वो सभी एंगल क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्स कहलाएंगे. ओके, लाइक 165 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, इस तरह सभी जो डिजिट इसके बीच में जो जितने भी डिजिट आएंगे सभी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल. सो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री. ऐसा एंगल जिसका मेजर जो है 180 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे. लाइक दिस, दिस यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है जिसका मेजर 180 डिग्री है. ओके, इसको समटाइम्स लीनियर एंगल भी कहते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेजर 180 डिग्री से लेकर 359 डिग्री के बीच में हो और या फिर इतना हो. ओके, तो उन सभी एंगल्स को क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज जीरो एंगल. हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल. कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. ऐसा एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर. सो लेट अस डिस्कस इट मोर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री एंड जब हम पूरा कंप्लीट राउंड करके आते हैं तो यहाँ पे हमारा 360 डिग्री आता है. ओके स्टूडेंट्स, जो एंगल इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होंगे वो सभी एक्यूट एंगल कहलाएंगे. ओके, नेक्स्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, इसको हम राइट एंगल बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा है जो 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक जो भी एंगल होंगे उन वो एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे. ओके, ऑब्ट्यूज एंगल्स उनको सभी को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स. और 180 डिग्री हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल. ओके, स्ट्रेट एंगल. ओके, एंड नेक्स्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक जो भी एंगल होंगे वो सभी एंगल हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं. ओके, ये स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है रिफ्लेक्स एंगल में. 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी एंगल आ जाए बीच में, वो सभी एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे. एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल. एंड 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल.
सो स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत ही इजी वे से आपको पूरा क्लियरली समझा दिया है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ एंगल जो है अकॉर्डिंग टू देयर मेजर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो सो डू प्रैक्टिस, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।